वैश्यकं नसरारजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। एक बार और सुनिए, फिर बात करते हैं। गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकं नसरारजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। यही वो श्रीमद् भगवद् गीता का श्लोक है जिसको लेकर इस समय विवाद है। ये श्लोक 18वें अध्याय में है और श्लोक की संख्या, जैसा कि आप देख सकते हैं, श्लोक संख्या 44। इस श्लोक को अनुवाद के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने अपना ट्वीट, जो ट्विटर हैंडल है, उससे उन्होंने इसको ट्वीट किया और उसके बाद बड़ा विवाद छिड़ गया। और विवाद इतना बढ़ा कि अंत में हिमंत बिस्व शर्मा ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि हमारी टीम ने ये ट्वीट गलत अनुवाद के साथ डाल दिया है, इसको मैं हटाता हूँ, और अगर इससे किसी की भावनाओं को या किसी के सोच को आहत, कोई न, वो अगर आहत महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, उन्होंने माफी मांगी। अब कांग्रेस ने उसी ट्वीट को, जो उनका ट्वीट है, उसका स्क्रीनशॉट डालते हुए ये बताया है कि किस तरह से हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो एक जातिवादी व्यक्ति हैं और यही सोच जो है वो बीजेपी और आरएसएस की है। तो इस ट्वीट की जो राजनीति है उसको तो फिलहाल राजनेताओं को और पॉलिटिशियंस को करने देते हैं। हम इस ट्वीट पर सिर्फ बात करते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा ने क्या ट्वीट किया और क्या वो ट्वीट गलत अनुवाद के साथ था और उस पर विवाद क्यों हुआ और उनको हटाना क्यों पड़ा। पूरी बात पूरे विस्तार के साथ, पूरी डिटेल के साथ, बिल्कुल फैक्ट के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि भारत सरकार की वेबसाइट पर नहीं है, और ये भारत सरकार का मतलब बीजेपी की सरकार नहीं, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये उन्हीं की वेबसाइट पर थी। तो इसमें से हर फैक्ट आपको, जो अभी मैंने आपको ऑडियो भी सुनाया है, ये गीता सुपर साइट जो है डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय आईआईटी कानपुर है। आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि ये गीता का ऑडियो और ट्रांसलेशन और कमेंट्रीज आपको मौजूद है। तो ये जो श्लोक है इसी पर सारा विवाद है। ये श्लोक जो है वो इसका पाठ अभी मैंने आपको स्वामी ब्रह्मानंद का आपको सुनाया। वैश्यकं नसरारजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। राइट। तो ये जो श्लोक है इसके अनुवाद को लेकर विवाद है और उनका कहना है हिमंत बिस्व शर्मा का कि उनकी टीम ने गलत अनुवाद इसका डाल दिया। अब इसका क्या अनुवाद है? जो अनुवाद डाला गया वो यही अनुवाद था जो स्वामी राम सुखदास से लेकर स्वामी तेजोमयानंद, स्वामी गंभीरानंद, स्वामी शंकर नारायण, स्वामी शिवानंद, स्वामी पुरोहित स्वामी, इतने सारे अनुवाद मेरे पास मौजूद है जो कि आईआईटी ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। अनुवाद क्या है? खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये सब के सब वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। ये स्वामी राम सुखदास का अनुवाद है। इसी तरह से जो स्वामी तेजोमयानंद है उनका अनुवाद है कृषि, गोपालन तथा वाणिज्य, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्र का स्वाभाविक कर्म है परिचर्चा अर्थात सेवा करना। तो ये चारों वर्णों की सेवा करना ये इनका स्वाभाविक कर्म है। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे, कई सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन आईआईटीज ने डाले, ये सारी किताबों से लिए हुए ट्रांसलेशन है। द नेचुरल ड्यूटीज ऑफ द वैश्यास आर एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड। ऑफ द शूद्रास टू द नेचुरल ड्यूटी इज इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। ये एक्चुअली बहुत आप साफ साफ आप समझ सकते हैं कि क्या है जो
जैसे अब आप स्वामी शिवानंद का अनुवाद है, एग्रीकल्चर केटल रियरिंग एंड ट्रेड आर द ड्यूटीज ऑफ द वैश्य बॉर्न ऑफ देयर ओन नेचर एंड एक्शन कंसिस्टिंग ऑफ सर्विस इज द ड्यूटी ऑफ द शूद्र सर्वेंट क्लास बॉर्न ऑफ देयर ओन नेचर। तो जन्म से जो वैश्य हैं उनका क्या कर्म है, और जो जन्म से शूद्र हैं, देखिए बॉर्न ऑफ देयर ओन नेचर, इसके साथ जो जन्मे हैं इनका क्या कार्य है, ये बताया गया है। इसकी व्याख्याएं भी हैं, आप देख सकते हैं, वैसे जैसे पुरोहित स्वामी इसका अनुवाद बता रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन ऑफ द काउ एंड ट्रेड आर द ड्यूटी ऑफ अ ट्रेडर अगेन इन अकॉर्डेंस विथ हिज नेचर द ड्यूटी ऑफ ए सर्वेंट इज टू सर्व एंड दैट टू एग्रीज विथ हिज नेचर। तो ये जो अनुवाद है यही अनुवाद लगभग हेमंत विश्व शर्मा ने डाला और इसको लेकर विवाद मच गया। गीता जिस समय लिखी गई होगी और इतने वर्षों तक इसको लाखों लोगों ने अपने घरों में रखा है, इसकी पूजा होती है, और ये श्लोक इसी अर्थ के साथ गीता प्रेस ने छापा है, और मतलब करोड़ों प्रतियां मेरे ख्याल से अलग अलग लोगों ने छापी होंगी, और इसी अनुवाद के साथ जिस अनुवाद पर विवाद हुआ हेमंत विश्व शर्मा का, गलत अनुवाद नहीं है, बिल्कुल वही अनुवाद है जो पुस्तकों में मौजूद है, सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है, वही अनुवाद उन्होंने डाला था और इस पर विवाद हुआ। ये दरअसल बदलते हुए समय की वजह से, कोई भी धार्मिक टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट स्थिर नहीं होता है और समय के साथ उसकी व्याख्याएं बदलती रहती हैं। जैसे बाइबल कहती अगर है कि जो पृथ्वी है वो सारे ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य समेत तमाम ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, तो बाइबल में 2000 वर्षों तक यही पढ़ा और पढ़ाया जाता रहा, लेकिन एक खास समय में 2000 से थोड़ा कम समय बताया गया वैज्ञानिकों ने कि नहीं गलत है, सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, और बाइबल ने अंत में इस बात को माना। बकायदा पोप ने क्षमा याचना की कि हमने ये कहने के लिए कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, हमने जो वैज्ञानिकों को प्रताड़ित किया, इसके लिए चर्च माफी मांगता है, क्षमा याचना करता है, और तमाम लोग जो इसकी वजह से दंडित हुए, ब्रूनो को जलाया गया था ये सब कहने के लिए, और गलीलियो को लगभग उम्र कैद की सजा मिल गई थी, बाद में वो कॉम्प्रोमाइज करके निकल आए थे, तो इसके लिए चर्च ने बकायदा माफी। इसी तरह से तमाम इस्लामिक टेक्स्ट में भी जो है वो स्थिर नहीं है, उनमें से बहुत सारी चीजें आज अब नहीं कही जाती हैं या गलत उसकी व्याख्याओं के साथ नहीं। जैसे इसी अनुवाद के साथ अगर आप देखेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन की व्याख्या, तो वो अपने पुस्तक में जब गीता का की व्याख्या करते हैं तब वो लिखते हैं कि ये हो सकता है कि जिस समय लिखा गया होगा उस समय इसका कोई अर्थ होगा, लेकिन आज इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री इस श्लोक को डाल रहे हैं और उसी अनुवाद के साथ डाल रहे हैं तो उनको वापस लेना चाहिए था, लेकिन ये कहते हुए नहीं कि अनुवाद गलत है उनको ये, बल्कि अगर वापस लेना था, एक तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, वो कह सकते हैं कि भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, किसी संदर्भ में किसी समय में उसमें कुछ लिखा गया था, आज सही है गलत है उसकी व्याख्या, अब चूंकि आज संविधान से देश चल रहा है, गीता या मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, तो ठीक है उसको कोई कह सकता है, लेकिन गलत अनुवाद है ये कहना, दरअसल एक मेरे ख्याल से एक बहुत शॉर्टकट है और ये बहुत उचित भी नहीं है, क्योंकि देखिए 18 नंबर अध्याय जो है इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि गीता में असल में 17 अध्याय थे, 18वां अध्याय जो है वो जाति व्यवस्था को रूढ़ करने के लिए बाद में एडिशन किया गया है, एडेंडम है, ये एक तरह से क्षेपक है, बाद में इसमें इसको जोड़ा गया है ताकि जाति व्यवस्था को रूढ़ किया जाए, उसको एक फिलोसॉफिकल बेसिस दिया जाए, इसको एक दार्शनिक आधार देने के लिए और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए 18वां अध्याय बाद में ऐड किया गया है, क्योंकि इसका गीता के बाकी फिलोसफी के साथ कोई बहुत ज्यादा तारतम्य भी नहीं है, और ये पूरा श्लोक पूरा जो पाठ है 18वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, सब लोगों के पास बहुत लोगों के पास मौजूद होगा, मेरे घर में तो इसकी कई सारी प्रतियां हैं विभिन्न अनुवादों के साथ, तो आप इसको देख सकते हैं कि इस ये 18वां अध्याय उसका पार्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि इसमें लगातार ये बताया गया है कि जन्म के आधार पर किस तरह से श्रेष्ठता स्थापित होती है। मैं आपको एक और श्लोक आपको सुनाता हूँ जो आपको इस समझ में आएगा कि कैसे ये समस्या है इसमें। अभी 18वें अध्याय का श्लोक 41 आप इसको सुने, आपको ये समझ में आएगा कि इसमें क्या समस्या है।
वेदां शूद्राणां च परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। एक बार और सुने गौर से। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै। ठीक है, श्लोक आपके सामने है और इसका अनुवाद आप पढ़िए, जो तमाम बड़े बड़े विद्वानों ने, ये सब हिंदी हिंदू धर्मशास्त्रों के सबसे बड़े विद्वान तो हैं, इन्हीं इन्हीं का लिखा हुआ, इन्हीं की सारी व्याख्याएं सब लोग पढ़ते हैं और इसी से धर्म के बारे में समझते हैं। जैसे अब रामसुंदर साहब जानते हैं कि एक मतलब तमाम हिंदू टेक्स्ट के सबसे बड़े व्याख्याकार के रूप में स्थापित हैं, गीता प्रेस के लगभग ये रेजिडेंट एक तरह से एनालिस्ट के तौर पर लंबे समय तक ये रहे हैं। अब इस श्लोक का क्या अर्थ है? हे परंतप, मतलब अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अभी इसका आप हिंदी ट्रांसलेशन स्वामी तेजोमयानंद का पढ़िए। हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। या इंग्लिश अनुवाद आप इसका पढ़िए, जैसे कि आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। शंकर नारायण का जो अनुवाद है, काफी चर्चित अनुवाद है। द ड्यूटीज ऑफ ब्राह्मिन्स, द क्षत्रियाज, द वैश्याज एंड द शूद्राज आर प्रॉपरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैंड्स विच आर द सोर्सेस ऑफ देयर नेचर। या स्वामी शिवानंद का अनुवाद, ऑफ ब्राह्मिन क्षत्रियाज एंड वैश्याज एज ऑल्सो ऑफ शूद्राज, ओ अर्जुना, द ड्यूटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज बॉर्न ऑफ देयर ओन नेचर। पूरे स्वामी का अनुवाद, ओ अर्जुना, द ड्यूटीज ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स, द सोल्जर्स, द ट्रेडर्स एंड द सर्वेंट्स हैव ऑल बीन फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट क्वालिटी इन देयर नेचर। अभी अपने आप में ये बहुत ही समस्या मूलक श्लोक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 18वां अध्याय जो गीता का है, इसको इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं कि बाद में ऐड किया गया है, क्योंकि ये कह रहा है कि जब उत्पन्न हो रहा है उसी समय गुणों के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र स्थापित कर दिया जा रहा है, और इसके हिसाब से फिर तमाम अलग अलग वर्णों के अलग अलग उसमें किसी में तामसिक गुण है, किसी में राजसिक गुण है। आप इसको पढ़िए, एक्चुअली 18वां अध्याय पढ़ा जाना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। आप इसका अगला 42वां श्लोक में आपको सुनाता हूँ, बहुत दिलचस्प है। अब ब्राह्मणों का गुण कैसे जन्म से क्या निर्धारित हुआ है, ये सुनिए आप। अशौचम् शान्तिराज्यममेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्मस्वभावजम्। ये ब्राह्मणों के क्या गुण हैं और ये बताया जा रहा है जो उनके जन्मजात गुण हैं। तमोदमस्तपः शौचम् शान्तिराज्यममेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम्। अब इसको आप, इसका जो अर्थ बताया गया है हिंदू धर्म के विद्वानों ने, उसको ये बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का क्या स्वाभाविक कर्म, अपने आप उनका एक कर्म, ये कोई मतलब जो जिनमें ये गुण है वो ब्राह्मण नहीं। आप जानते हैं भारत में मतलब हिंदू धर्म में जो जिस जाति में पैदा होता है या जिस वर्ण में पैदा होता है उसी में वो रह जाता है। क्या आदर्श कभी रहा होगा उसको किसी ने देखा नहीं है। अभी जैसे बता रहे हैं कि मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि के अस्तित्व आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। अब ये समस्या मूलक है, क्योंकि ये नहीं कहा जा रहा है कि जिनमें ये गुण होगा वो ब्राह्मण, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये गुण ब्राह्मणों में स्वाभाविक रूप से होंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं इसको इंग्लिश का अनुवाद आप जो देखिए,
हालांकि इसका तेजोमय नंद जी का भी अनुवाद आप देखिए, शम दम ताप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये गुण जिनमें होंगे वो ब्राह्मण, ये उनमें जन्मजात रूप से गुण होगा। सेल्फ कंट्रोल एज वेल एज प्योरिटी फॉरबियरेंस एंड ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नॉलेज विजडम एंड फेथ इन अनदर वर्ल्ड इज द ड्यूटीज ऑफ द ब्राह्मण बॉर्न ऑफ देयर नेचर। बॉर्न ऑफ देयर नेचर वर्ड सब जगह है, देखिए ये देखिए, बॉर्न ऑफ देयर नेचर, बॉर्न ऑफ देयर ओन नेचर, सारे अनुवाद में जन्मजात के गुण, सेरेनिटी सेल्फ रेस्ट्रेंट ऑस्ट्रिटी प्योरिटी फॉरगिवनेस एंड द अपराइटनेस नॉलेज रियलाइजेशन एंड बिलीफ इन गॉड आर द ड्यूटीज ऑफ द ब्राह्मण्स बॉर्न ऑफ देयर ओन नेचर। ये है, ये असल में ये दिक्कत है गीता के 18वें अध्याय, भयानक समस्या है, क्योंकि ये इसीलिए इसको आप जानते हैं, बाबा साहब ने कहा कि गीता जो है वो मनुस्मृति नटसेल है, मतलब संक्षेप में आप मनुस्मृति को आप पढ़ना चाहें तो गीता को पढ़ लें, वो आपका एक तरह से संक्षेप में आपको सारा का सारा आपको वो बता दे रही है। ये जो दिक्कत है और इस वजह से बहुत गंभीर क्रिटिक आप पाएंगे कि बाबा साहब ने किया है इसका, गीता की जो क्रिटिक है वो आपको बाबा साहब के यहाँ मिलेगी। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ हो बाबा साहब का लिखा हुआ तो वो मैं आपको सुनाऊँ। ये भी भारत सरकार की वेबसाइट से है और इसमें आप पाएंगे कि सरकार ने ही छापा है, जैसे उनकी एक किताब है जो कि फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन, जो